हेलो चैंपियंस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्लास टेंथ और क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड के एग्जाम में एक एवरेज स्टूडेंट को केवल 50-60% मार्क्स ही मिल पाते हैं, जबकि आपके ही क्लास में पढ़ने वाले कुछ बच्चे 95%, 98% और 100% मार्क्स तक लेकर के आते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं टॉपर्स। तो ये टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं जिनकी वजह से उनको इतने अच्छे मार्क्स मिलते हैं, और एक एवरेज स्टूडेंट कहां पे चूक जाता है जिससे उसको केवल 50-60% मार्क्स ही मिल पाते हैं। तो ये जो टॉपर्स हैं, ये दो ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनको एक एवरेज स्टूडेंट या तो बिल्कुल भी नहीं करता है, या करता भी है तो आधे अधूरे मन से। ये दो चीजें हैं सब्जेक्ट को पढ़ने और याद करने के बाद मल्टीपल टाइम्स रिवीजन और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। आप खुद देख लीजिए, एक टॉपर पढ़ने के बाद मल्टीपल रिवीजन्स और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस खुशी खुशी करता है, जबकि एक एवरेज स्टूडेंट जब उनको रिवीजन या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की बात आती है तो या तो उनको नींद आ जाती है, या तो वो अनमाने ढंग से करते हैं, यानी पूरा एनर्जी और पूरा अटेंशन के साथ नहीं करते हैं। अब क्या टॉपर जिस तरीके से रिवीजन करते हैं या आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं, क्या एक एवरेज स्टूडेंट ऐसा नहीं करना चाहता? करना चाहता है, लेकिन जब भी वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना चाहता है, जब भी वो रिवीजन करना चाहता है, तो उसके सामने तीन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये जो तीनों प्रॉब्लम्स हैं बहुत ही प्रैक्टिकल और रियल प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी तीन प्रॉब्लम्स हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट को परेशान करती हैं और फाइनली उनके बोर्ड के एग्जाम में जो परफॉर्मेंस है उसको खराब करती हैं। तो ये तीन बातें हैं, आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, ये तीन बातें हैं। पहला, एवरेज स्टूडेंट का कहना होता है कि सर अब तो टाइम ही नहीं रहा, अब तो टाइम ही नहीं बचा रिवीजन करने का या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने का, टाइम ही नहीं बचा। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है? दूसरी प्रॉब्लम आती है, सर रिवीजन करने का तो मन भी नहीं करता, रिवीजन करने का तो मन ही नहीं करता। ये भी इस बात में भी सच्चाई है कि रिवीजन करने का मन नहीं करता। तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है? तीसरी प्रॉब्लम आती है कि रिवीजन करने का उनको इफेक्टिव टेक्निक और स्ट्रेटजी ही नहीं पता होती। तो आज की इस वीडियो में हम इन तीनों प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे और इनके प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस मैं आपसे शेयर करूंगा, जिसको जानने के बाद अगर आप अपनी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में आप अप्लाई करोगे, तो चाहे आप क्लास टेंथ के बोर्ड को देने वाले हो, चाहे आप क्लास ट्वेल्थ के बोर्ड को देने वाले हो, आप डेफिनेटली फ़ायदा उठा पाओगे। क्योंकि हर साल मेरे कुछ स्टूडेंट्स जिनको मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, वो 98% 100% मार्क्स बोर्ड एग्जाम्स में क्लास टेंथ में क्लास ट्वेल्थ में लाते हैं, और मिनिमम 95 प्लस तो लाते ही लाते हैं। तो आप प्लीज़ खूब ध्यान से जो भी चीज़ें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं, मैं तो बोलूँगा पेन और पेपर लेकर के आप प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो एक एवरेज स्टूडेंट को जो सबसे पहले प्रॉब्लम आती है, उनका ये कहना होता है कि सर अब तो टाइम ही नहीं बचा है रिवीजन करने का। उनका कहना है सर आप 21 जनवरी हो गई। देखिए, एवरेज स्टूडेंट क्या एक्सक्यूज देते हैं कि सर अब तो जनवरी 21 आ गई, 15th फेब से हमारे एग्ज़ाम शुरू हैं। देखिए, बात सही है कि अब 21 जनवरी आ गई और 15th फेब से जो आपका एग्ज़ाम शुरू है, वो मेन आप लोगों के मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम नहीं है, मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम आप लोगों का शुरू हो रहा है 19th से, राइट? तो अगर आप ध्यान से देखें तो 10 डेज अब भी हमारे पास जनवरी में है, और कम से कम 15 डेज हमारे पास फरवरी में है। टोटल हमारे पास 25 डेज अब भी हैं। लेकिन इससे भी बड़ी बात मैं आपको ये बताऊंगा, अगर मैं आपको कहूं कि रिवीजन के लिए आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है, आप कहोगे कैसे सर? बताता हूं। आप लोग दिन भर जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे आपका वो मैथ्स है, चाहे आपका साइंस है, चाहे 10th क्लास की सोशल स्टडीज़ है, या 12th की हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है, इंग्लिश है, जो भी आप पढ़ते हैं, दिन भर जो भी पढ़ते हैं, रोज रात को सोने से पहले, सोने से 2 घंटे पहले आप बैठें। मैं तो बोलूँगा कि हर सब्जेक्ट के लिए आप एक अलग नोटबुक ही बना लीजिए, राइट? सो दैट आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकें कि कहां पे कमी है, उसपे करेक्टिव एक्शन अकॉर्डिंगली ले सकें। क्या करना है? रोज रात को सोने से 2 घंटे पहले आप बैठें,
और हर सब्जेक्ट को, ज्यादा नहीं, हर सब्जेक्ट को केवल 10 टू 15 मिनट्स देना है। अब इन 10 टू 15 मिनट्स में करना क्या है, देखिए दिन भर आपने पढ़ाई में बिताए हैं, इतना आपने टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करी, तो करना क्या है आपको 10 टू 15 मिनट्स, जैसे आपका मैथ्स हो गया और साइंस हो गया, तो मैथ्स और साइंस में जो भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने की कोशिश करिए और उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एटलीस्ट 2 से 3 क्वेश्चन कर डालिए, ताकि आपको पता चले इतना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करने के बाद आपको उस दिन कितना फायदा हुआ। अच्छा, सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस हुआ, हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटिकल साइंस हुआ, क्लास 12th की इंग्लिश हुई, इन सब सब्जेक्ट्स में देखिए जो थियरी वाले सब्जेक्ट्स हैं इसमें दो ही चीज़ें होती हैं। अगर मान लीजिए आपने कोई चैप्टर पढ़ा है या आपने कोई पैराग्राफ पढ़ा है या आपने कोई आंसर लर्न करा है, इसमें केवल दो ही चीज़ होगी, ध्यान से सुनिएगा, केवल दो ही चीज़ होगी, क्या, या तो हेडिंग्स आपको मिलेंगे या तो कीवर्ड्स। तो अब आपको शाम को जब आप ये काम कर रहे हैं, रिवीजन करने का काम कर रहे हैं, तो आपको पूरा एक एक लाइन नहीं लिखना है, आप ऊब जाओगे, आप छोड़ दोगे। आपको केवल थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स में केवल आपको उन हेडिंग्स को रिकॉल करना है और उन हेडिंग्स के डिटेलिंग में आने वाले कीवर्ड्स को रिकॉल करना है। तो अगर आपको हेडिंग्स और कीवर्ड्स पता है तो उनका एक माइंड मैप बना लीजिए, हेडिंग्स और कीवर्ड्स को यूज करके आप माइंड मैप बना लीजिए, तो इस तरीके से फास्ट आप रिवीजन कर पाएंगे। केवल 10, 12 या 15 मिनट ही देना है, यानी जितना आप पढ़ाई करते हैं राइट, हर सब्जेक्ट के लिए 10 से 12 मिनट या 15 मिनट ही देना है। तो आप सेम डे आपको पता चल जाएगा कि यार इस वाले टॉपिक में जो मैंने पढ़ा था उसमें कहां पे कमी रह गई, उसको नोट डाउन करिए और नेक्स्ट डे जब आप पढ़ने बैठिए तो उस टॉपिक को फिर से रिवीजन करिए, राइट। टाइम नहीं कम है, थोड़ा सा नियत की कमी है, आप अगर आप चाहें तो अब भी टाइम है, अब भी आप सुधर सकते हो। अगर आपका प्री बोर्ड में 50-60% मार्क्स आया है तो ट्रस्ट मी, अगर आप जो तरीका आपसे शेयर कर रहा हूं अगर आप अपनाएंगे, आप डेफिनेटली 90+ पा जाएंगे। अब भी टाइम है, 20-25 दिन काफी होता है, राइट। तो ये जो पहला बहाना है हमारा कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम है, टाइम अलग तरीके, आपको अलग से टाइम निकालने की जरूरत ही नहीं है रिवीजन के लिए। चलिए हम लोग दूसरे पॉइंट को डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि रिवीजन करने का मन ही नहीं करता। देखिए रिवीजन करने का मन नहीं करता, इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कि आपको रिवीजन करने की सही स्ट्रेटजी और टेक्निक ही नहीं पता है, आपको रिवीजन का मतलब ही नहीं पता है, राइट। रिवीजन का मतलब क्या होता है, रिवीजन का मतलब यह नहीं होता कि अब आप जनवरी के महीने में 20-21 जनवरी हो गए हैं, अब आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, हर पैराग्राफ पढ़ रहे हैं, और हाँ ये रिवीजन नहीं होता, ये रिवीजन का बहुत ही गलत तरीका है। इस तरीके से रिवीजन करेंगे तो जून जुलाई अगस्त तक भी आपका सिलेबस नहीं खत्म हो पाएगा, एग्जाम खत्म हो जाएगा आपका। तो अभी हम इस पर डिस्कस करते हैं कि रिवीजन की सही स्ट्रेटजी और टेक्निक क्या होती है। दूसरी प्रॉब्लम जो आप लोगों का मन नहीं करता रिवीजन करने का, दूसरी प्रॉब्लम क्या है, दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आप में से ढेर सारे लोग बोलते हो कि सर जो बोर्ड के एग्जाम में 2 सब्जेक्ट्स के बीच में ढेर 2-3 दिन 3-4 दिन का गैप होता है, मैं वहां पे रिवीजन कर लूंगा। भाई साहब नहीं कर पाएंगे। हाँ आप कर सकते हैं, अगर आपने बोर्ड का एग्जाम शुरू होने से पहले चैप्टर को पढ़ने और याद करने के बाद अगर आपने कम से कम 2-3 बार अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो बोर्ड के एग्जाम के 2 पेपरों के बीच में जो टाइम है उसमें आप रिवीजन कर ले जाओगे। लेकिन आपने अगर केवल पढ़ाई करी है और आपने रिवीजन नहीं किया है तो आप नहीं कर पाओगे, इसे मैं लिख करके दे सकता हूं। क्यों? क्योंकि पढ़ने की आदत तो है नहीं, आपका दिमाग थक जाएगा, आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा और फिर आप लास्ट में लाचारी में आप जितनी तैयारी हो उतनी तैयारी के साथ चले जाओगे और फिर उल्टा सीधा लिख करके चले जाओगे, फिर वही 50-60% मार्क्स मिलेंगे और कहोगे जी टॉपर तो कोई अलग ही दुनिया से आते हैं। आप भी टॉपर बन सकते हो, जो चीज़ें शेयर की जा रही हैं आप उसको अप्लाई करिए अपने, अब भी टाइम है, राइट। अच्छा तीसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि मन क्यों नहीं लगता, तीसरी प्रॉब्लम यह है मन न लगने का कारण कि आप में से ज़्यादातर लोग सच्चाई से भागते हो, आप सच्चाई को फेस नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको पता है कि जो मैंने मैथ के 5 चैप्टर कर डाले हैं अगर मैं उससे क्वेश्चन करने बैठूंगा उसमें से केवल मेरी मुझे सच्चाई का पता चलेगा कि मैं तो केवल 60% क्वेश्चन ही कर पा रहा हूँ, 40% अब भी नहीं हो रहा। तो सच्चाई से मत भागो, आपको पता है कि अगर मैं एसएससी का रिवीजन करने बैठूंगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th की रिवीजन करने बैठूंगा तो मुझे मेरी सच्चाई, जो सच्चाई आपको जाननी चाहिए आप उसे देखना ही नहीं चाह रहे हो, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि जो मुझे लगता है मेरी सारी तैयारी है, जब आप आंसर लिखने बैठोगे, जब आप रिवीजन करने बैठोगे तब आपको पता चलेगा अरे यार मुझे तो आंसर ही नहीं याद आ रहा है, ये तो मुझे लगता था मुझे आता है, यहाँ तो मैं अटक रहा हूँ, यहाँ तो मैं रिकॉल ही नहीं कर पा रहा हूँ। अब भी टाइम है, आप सुधर जाइए, अब भी टाइम है, आप सुधर जाइए और
रिवीजन करना शुरू कर दीजिए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे दो चीजें होंगी। पहला तो आपकी लिखने की आदत बनेगी, आपकी हैंडराइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। नहीं तो मैं ढेर सारे ऐसे स्टूडेंट को जानता हूं, कोई सारे आंसर्स आने के बावजूद बोर्ड के एग्जाम में पूरा लिख नहीं पाते हैं, उंगलियों में दर्द होने लगता है, क्योंकि आंसर को घर पे लिखने की प्रैक्टिस नहीं किए तो वो रिकॉल ही नहीं कर पाते हैं। एग्जाम में बैठ के सोचते रह जाते हैं, दिमाग एकदम ब्लैंक हो जाता है, राइट। तो प्लीज अब भी टाइम है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और उसको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और रिवीजन जरूर करिए। अगला हमारा पॉइंट आता है जो कि थर्ड पॉइंट है कि सर हमें तो रिवीजन करने की सही टेक्निक या स्ट्रेटजी ही नहीं आती। तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, प्लीज आप पॉइंट को नोट करते चलिए। देखिए, आपके स्कूल के टीचर्स ने भी आपको बताया होगा कि जब आप NCERT पढ़ते हैं या कोई भी टेक्स्ट बुक आप पढ़ते हैं जो आपके स्कूल में चलती है, जो आपके बोर्ड में चलती है, जब आप पढ़ते हैं तो आप कीवर्ड्स को, की सेंटेंसेस को आप जरूर अंडरलाइन करिए। तो रिवीजन करते समय ये जो कीवर्ड्स हैं, की सेंटेंसेस आपके बहुत काम में आएंगे, तो इन कीवर्ड्स और की सेंटेंसेस को यूज करके आप माइंड मैप बनाइए। अच्छा, माइंड मैप से याद आया कि मैंने एक वीडियो बना रखी है कि कीवर्ड्स एंड की सेंटेंसेस को यूज करते हुए, हेडिंग्स को यूज करते हुए मतलब आपको समझाता हूं कि देखिए, जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, या जो अपना ये सब्जेक्ट हो गया क्लास 10th की SST, इसको जब आप पढ़ते हैं तो दो ही चीजें आती हैं, कोई क्वेश्चन आंसर याद कर लो, कोई किसी क्वेश्चन का आंसर आप याद करो, या कोई चैप्टर पढ़ो, केवल दो ही चीजें आती हैं। क्या? एक तो हेडिंग आती है, दूसरा उस हेडिंग की डिटेलिंग में काम करने वाले कीवर्ड्स आते हैं। अब ये टाइम नहीं रह गया NCERT की एक एक लाइन आप याद करोगे ना, ये टाइम नहीं रह गया, बिल्कुल नहीं रह गया है। अब आप जब उनको पढ़ोगे, आपने ऑलरेडी बुक में हाईलाइट कर रखा होगा कीवर्ड्स को और की सेंटेंसेस को और हेडिंग्स को, तो अब आपको क्या करना है कि किताब उठाइए, उन कीवर्ड्स को लिखिए, उन हेडिंग्स को लिखिए। दो ही चीजें होती हैं, हेडिंग्स और कीवर्ड्स, और उन हेडिंग्स को नोट करिए कि इस पर्टिकुलर टॉपिक में कितनी हेडिंग्स हैं, 4 से 5, 6 से ज़्यादा 8 हेडिंग्स होंगी, उन हेडिंग्स को नोट करिए और उन हेडिंग्स की डिटेलिंग में काम आने वाले कीवर्ड्स को नोट करिए, उनका माइंड मैप बनाइए। और हर रोज रात को सोने से पहले जितना भी दिन भर में आपने पढ़ा है, उन हेडिंग्स, कीवर्ड्स और इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस का आप एक नोट बनाइए और हर रोज ऐसा करिए। वो एग्जाम के दो, बोर्ड के एग्जाम में दो पेपर्स के बीच में जो गैप होगा उसमें आपकी हेल्प करेगा और आप डेफिनेटली इसे बेनिफिट करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये जो स्ट्रेटजी मैंने आपसे शेयर करी उससे आपका कितना फायदा हुआ। आप कमेंट जरूर करें, लेकिन उससे पहले इस स्ट्रेटजी को एक सप्ताह तक फॉलो करें, फिर अपने सुझाव को आप शेयर करें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।